तो दोस्तों, बड़े मियाँ छोटे मियाँ ने अपने तीसरे दिन कर डाला तूफानी कलेक्शन और आज संडे को फिल्म के कलेक्शन में रफ्तार पकड़ ली है। जी हाँ, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की एक्शन थ्रिलर फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ दुनिया भर में डंका बजा रही है। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फिल्म ताबड़तोड़ नोट छाप रही है। पहले दिन फिल्म ने दुनिया भर में 35 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। अब इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर हाफ सेंचुरी कर दी है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ ईद के मौके पर 11 अप्रैल को रिलीज हुई है। पहले दिन फिल्म ने दुनिया भर में 36 करोड़ 33 लाख का बिजनेस किया था। दूसरे फिल्म की कमाई में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। शुक्रवार यानी दूसरे दिन बड़े मियां छोटे मियां ने दुनिया भर में 18 करोड़ 81 लाख का कलेक्शन किया है। इस तरह फिल्म ने दो दिन में वर्ल्ड वाइड 55 करोड़ 14 लाख की कमाई कर ली है। साकनेल की रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ से खाता खोला था, लेकिन दूसरे दिन मूवी की कमाई आधी हो गई। शुक्रवार को मूवी की देश भर में 7 करोड़ की कमाई हुई। वही साकनेल के मुताबिक तीसरे दिन मूवी में लगभग 8 करोड़ का कलेक्शन कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अब वीकेंड पर फिल्म की कमाई में भारी उछाल देखने को मिल सकता है। यानी 3 दिन में इंडिया में मूवी 30 करोड़ का आंकड़ा पार कर रही है। वही चौथे दिन फिल्म ने 2 करोड़ के आसपास एडवांस बुकिंग कर ली है। ऐसे में फिल्म संडे को बड़ा जंप लेगी। वही बता दे, मलयालम एक्टर ने फिल्म में अक्षय कुमार को दी टक्कर। बता दे चले कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का निर्देशन आलिया भट्ट जफर ने किया है। इसमें सोनाक्षी सिन्हा, अलाया यफ और मानुषी छिल्लर ने भी अहम भूमिका निभाई है। वही फिल्म में सिनेमा के मशहूर एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन ने खलनायक का रोल किया है। उनकी खलनायकी के खूब चर्चे हो रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपको उनका किरदार कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी अक्षय कुमार के डायहार्ट फैन है तो ऐसी अक्षय कुमार की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।